2023 मसीहा जुलाई मासटी केमिति कटिबो मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर प्रति मासर मासिक राशिफल कार्यक्रम मुसुची ए जुलाई मासर राशिफल कार्यक्रम को मु हार्दिक स्वागत जनाऊँ ज्योतिर्विद सुधीर। प्रिय दर्शक बंधु आसतु आज आम मिथुन राशि कर्मक्षेत्र कथा आर्थिक दिगर कथा वाणिज्य व्यवसाय मासरे आपणकर केमिति चलिबो चाकरी वृत्ति आपण ए मासरे पाई परिबे कि नहीं आपणकर शिक्षा स्वास्थ्य आपणकर पारिवारिक दाम्पत्य जीवन परिस्थिति एमती अनेक गुड़िए महत्वपूर्ण तथा गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आज आम खूब संक्षिप्त भविष्यवाणी करिबा एवं आम जानिबा जे जुलाई मासटी आम पाई केमिति कटिबो। प्रिय मिथुन राशि वृत्ति विशेष सर्वप्रथमे आपणकर ग्रह मानकर गोचरीय भ्रमण अवस्थिति को आसंतु टिके देखि नबा। चलित मासरे आपणकर बृहस्पति एवं राहु एकादश भाव रहिचंती रवि एवं चंद्र आपणकर स्वराशि अवस्थान करुछंती बुध आपणकर द्वितीय भाव थिला बेले मंगल शुक्र आपणकर तृतीय रहिचंती एवं केतु आपणकर पंचम थिला बेले नवम भाव रे आपणकर शनि रहिचंती। तेणु ग्रह मानकर एतादृश गोचरीय भ्रमण अवस्थिति को आम लक्ष्य कले जहा जानुचे जहा मु आकलन करुची जुलाई मासर कथा को जुलाई मासर भविष्यवाणी को सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर कर्मक्षेत्र कथा। प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति विशेष निजर बुद्धि उपयोग करी निज ज्ञान उपयोग करी आपण विगत दिन जो कार्य गुड़िक कर ताहर परिणाम को ए मासरे आपण पाइबे एवं आपण निज को मानसिक स्तर रे प्रस्तुत करिवे किभली भावरे आगु को आमे निजर कर्म को नहीं सफलता अर्जन करिबा सेथिपई आपण निज को प्रस्तुत मध्य करिवे तेबे निजर बुद्धि एवं कौशल द्वारा आपण प्रत्येक कार्य ए मासरे सफलता हासिल करिवे। पुरुणा दिनर जो रही थिला आपणकर समस्या से समस्या आपणकर दूर हब एवं आपणकर चलित मासरे कर्मक्षेत्र रे नुआ नुआ पदक्षेप मान आपण ग्रहण करि कर्मक्षेत्र को आपण आगे नहीं पारे एवं कर्मक्षेत्र को उज्ज्वलमय करें। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आपणकर चलित मासरे बंधु विरोध घटि पारे आपणकर आत्मीय स्वजन आपण को विरोध करिपारंती आपणकर किछि आकस्मिक चलित मासरे धनहानि मध्ये हे पारे से भितरे आपण निजर कर्म रे आपण बेस किछि निजर दक्षता को प्रतिपादन करी निजर कर्म दक्षता पई आपण प्रशंसा पात्र पात्र मध्ये हे पारिबे। ये थिला आपणकर कर्मक्षेत्र रो कथा। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आपणकर आर्थिक दिगर कथा को जदि आमे लक्ष्य करिबा ताहले चलित मासरे आपण अनावश्यक खर्च हेतु विगत दिनरु आपणकर अनावश्यक खर्च वृद्धि हेतु चलित मासरे आपण से खर्च को भरणा करिबा पई प्रयास करिबे एवं विभिन्न सूत्ररु आपणकर अर्थ आसिबार ए मासरे भल सुजोग रहिछि विभिन्न दिगरु आर्थिक स्रोत आपणक हाथ को आसिबो तेबे हां आपण निज को प्रस्तुत करंतु परिश्रम करिबा पई जदि आपण आलस्यता को परित्याग करी
निष्ठा प्रभाव में कर्म करती आपणकर विभिन्न सूत्र उपार्जनक्षम हो पारे एवं आर्थिक क्षेत्र में स्वच्छता को आपण अनुभव करें। आतीत रु जो आपण आर्थिक मंदावस्थार थिले ए मास आपण से आर्थिक मंदावस्था को दूर करने निश्चित भाव समर्थ हो पारे। तेब ये आपणकर आर्थिक दिगर कथा। जदि वाणिज्य व्यवसाय कथा आम लक्ष्य करवा तेल प्रिय मिथुन राशि व्यक्तिशेष वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में ए मासरे आपण बेस किछि प्रगति हासिल करिवे बोली जना पडुछि। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में आपण नुआ नुआ पदक्षेप मान ग्रहण करी वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र को आपण आगे नेबे एवं आपणकर चलित मासरे भल व्यवसाय मध्य हबो एवं व्यवसाय आपण को भल अर्थ मध्य प्राप्ति हे बोली ग्रह मानकर अवस्थारु जहा मु पूर्वानुमान करुछि। तेबे जो माने चाकिरिया से प्रार्थी माने रही जो माने बेरोजगार युवक युवती माने रही निष्ठापर भाव उद्यम करंतु चलित मासरे आपणकर चाकिरी वृत्ति क्षेत्र में आपण सफलतार सहित प्रतियोगितामूलक परीक्षा गुड़िकर उत्तीर्ण इंटरव्यू दे आपण से सफलता हासिल करें। चलित मासरे आपण नुआ कर्म वृत्ति पाइबार आपणकर सुजोग रही। तेबे जो माने चाकरी करिचंती से माने चलित मासरे जदियो आपणकर सहकर्मी सहभागी बा उच्चपदस्थ कर्मचारी बा निम्न कर्मचारी माने आपणकर कार्य को जदियो तीक्ष्ण नजर रखिबे एवं आपण कार्य को समालोचना करिबे बा विरोधाभास करुथिले हे आपणकर निष्ठापर कर्म आपणकर निष्ठापर उद्यम जहा आपण को चाकरी क्षेत्र में आपण प्रशंसार पात्र हो पारे। तेब ये तो गला चाकरी कथा। जदि आम शिक्षार्थी मान कथा देखा तेल मिथुन राशि शिक्षार्थी मैंने नुआ नुआ पाठ पढ़ापी आपण आग्रह उद्दीपना सृष्टि हे नूतन विद्या अध्ययन करने आपण नूतन पदक्षेप ग्रहण करेंगे। जदिओ आपणकर चित्त शिक्षार्थी मान चित्त चंचल रहिबो मन अस्थिर रहिबो हेले मध्य शिक्षार्थी माने बा विद्यार्थी माने निश्चित भाव परीक्षा कृतकार्य हेबे एवं सफलतार सहित आग को नुआ पाठ पढ़ापी निजुकु प्रस्तुत करिवे। तेबे स्वास्थ्य कथा आसंतु जानिबा सबुठारु महत्वपूर्ण एवं गुरुत्वपूर्ण दिगटी होउछि स्वास्थ्य। सेथिपाई कहुए स्वास्थ्य ही संपद। तेबे मिथुन राशि व्यक्तिशेष चलित मासरे आपणकर रवि स्वराशि रोथिबा जोगु आपणकर मंगल एवं शुक्र तृतीय भाव रोथिबा जोगु विशेषकर शुक्र ग्रह आपणकर तृतीय स्थान रे थिबा जोगु एवं केतु पंचम रे थिबा जोगु चलित मासरे आपणकर मानसिक स्तर रे आपणकर चित्त व्याकुल हो पारे। कौनसी ना कौनसी कथा को लेकर आपणकर मन व्याकुलित हो आपणकर मानसिक अवसाद आपणकर देखा जीवो एवं आपणकर स्वास्थ्य क्षेत्र रे थंडा आलस्य मानसिक चिड़चिड़ापण ये सब लक्षण गुड़ी आपणकर देखा जीवा सहित आपण को बेशी आलस्यता आपण को बेशी देखा जाई पारे। सेथिपाई आपण नियमित भाव रे योग करंतु प्राणायाम करंतु निजर जीवन चर्या को ठीक रखंतु कौनसी प्रकार स्वास्थ्य जनित समस्या पाई आपण अभिज्ञ चिकित्सक मानकर सहायता रे आपण चिकित्सा होंतु निज को सुस्थ एवं निरामय रखंतु। प्रिय मिथुन राशि व्यक्तिशेष आम जदि लक्ष्य करिबा शुभकर्म पाई ताले चलित मासरे आपण भूमि क्रय करिपारंती गृह निर्माण पाई आपणकर भल सुजोग रहिछि नूतन गृह निर्माण करिबा गृह प्रतिष्ठा करिबा
ବିବାହ ବ୍ରତ ଭଳି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ପୂଜାପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇପାରେ, ଶୁଭ କର୍ମ ଏଭଳି ଚଳିତ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଧନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଚଳିତ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଫଳକୁ ଆଶା କରିବେ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଆପଣ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଥିଲା ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ମାସିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାସିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ପ୍ରତି ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇ ରାଶିଫଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିବା। ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ମୁଁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ସୁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।